नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। तनुश्री दत्ता नाम तो आपको याद ही होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आशिक बनाया आपने से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस की, जो कि लंबे वक्त से बॉलीवुड से दूर नजर आ रही थी। तनुश्री मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं, लेकिन अब हाल ही में तनुश्री दत्ता अमेरिका से इंडिया वापस लौट आई है, जिसके बाद अब खबरें आने लगी है कि तनुश्री फिर से बॉलीवुड में वापसी कर सकती है। तो चलिए जानते हैं तनुश्री की जुबानी कि आखिर उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। मैं आई हूँ, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह की भी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ये हाल है कि मेरा जो ग्रीन कार्ड है उसकी वजह से मैं अमेरिका से 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकती, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। तो वो सब मुझे संभालना पड़ेगा कि कुछ अगर मुझे पसंद आता है और अगर टाइमिंग मैच करता है, क्योंकि मैं अभी तो फिलहाल 3 या 4 महीने के लिए हूँ यहाँ पे। तो सुना आपने कि तनुश्री को अगर मिलेगा कोई अच्छा प्रोजेक्ट तो वो जरूर उसको साइन कर लेंगी। तो इसी बीच ये भी खबरें आ रही थी कि तनुश्री दत्ता बिग बॉस का हिस्सा बन सकती है। हालांकि इसके जवाब में तनुश्री ने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया, लेकिन हाल ही में तनुश्री ने अपने कई एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और बताया कि पिछले दिनों उन्हें एक बच्चों के रियलिटी शो को जज करने का ऑफर मिला था, जिसे पहले तनुश्री ने एक्सेप्ट किया लेकिन बाद में उसे ठुकरा दिया। आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, चलिए जानते हैं तनुश्री की जुबानी। किसी रियलिटी शो में मुझे उन्होंने फाइनल किया, बड़े टीवी चैनल का, और बहुत अच्छी खासी मोटी रकम दे रहे थे मुझे और बोले आपको बस 4-5 घंटे के लिए आना है, जज करना है, बच्चों का कंपटीशन है और बस कुछ नहीं, हम आपका 4-5 घंटे में काम ख़त्म कर देंगे और 15-20 डेज़ का आपका काम है, और बहुत अच्छी रकम उन्होंने दी। मैं तो खुश हो गई, मैंने बोला ठीक है, काम ठीक है, आई विल डू दैट। फिल्में मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, तो वो मैं हाँ बोल के आगे आई घर और योग करने बैठी, ध्यान करने बैठी। मेरा उस वक्त आश्रम में आना जाना था, तो मेरा 4-5 घंटे का योगा का प्रोग्राम होता था, तो 4-5 घंटे ध्यान व्यान करके जब मैं ध्यान से बाहर निकली तो फर्स्ट थिंग मेरे मन में आया चेक रिटर्न कर दो। वेले वैसे भी देखने वाली बात ये होगी कि वाकई में तनुश्री बॉलीवुड की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगी या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।